क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नाइन मुश्किल है, चैप्टर नंबर फाइव का लेटर प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिस है तो लेटर प्रॉब्लम सेम ही रिपीट होती है, इतना कोई फ़र्क होता नहीं है। एक यूनिफॉर्म लेटर है जिसकी लेंथ एल गिवन है और उसका वेट है 50 न्यूटन, रेस्ट कर रही है अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। एक स्मूथ वर्टिकल वॉल है उसके साथ रेस्ट कर रही है। इफ़ द कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लेटर एंड ग्राउंड वह 0.4, तो हमें वो एंगल मालूम करना है कि लेडर स्लिप ना हो, यानी कि मिनिमम एंगल पता करना है जिस पर जो लेडर है वो इक्विलिब्रियम में रहे। मेन बात यह है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो ये बात हमें समझनी है। अच्छा जी, अब पहले ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले लेडर का वेट है जो डाउनवर्ड होगा, ये आ गया, ठीक है। फिर जिस दीवार पर रखा है उस दीवार का नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस तरफ, अगर ये दीवार है तो दीवार यकीनन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। फिर फ्रिक्शन जो रोक रही होगी उसको स्लिप होने से, वो ये आ गई, ठीक है, एक्स एक्सिस के अंदर। और इसी तरीके से जो सरफेस है जो कि रिएक्शन कहलाता है, ये आ गई रिएक्शन, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन है, ये रिएक्शन है, ये वेट है, और ये एफ एन जो है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन है वॉल का। जो भी डेटा में देख लो कि लेंथ एल है, वेट 50 न्यूटन है, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4, और मिनिमम एंगल जो है हमें फाइंड करना है जो कि थीटा के बराबर है, और लिखा हुआ है ना कि लैडर स्लिप ना हो, यानी कि लैडर रहे इक्विलिब्रियम में। मेन बात यह है कि लैडर का इक्विलिब्रियम में रहना ज़रूरी है। तो भाई सबसे पहले लैडर प्रॉब्लम का यही तरीक़ेकार है कि पहले आप लोग इस्तेमाल करें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसके मुताबिक एक्स एक्सिस में लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो होना चाहिए, वाई एक्सिस में लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो होना चाहिए। तो ठीक है, एक्स एक्सिस में कितनी फोर्सेस हैं, एक है एफ और एक है एफ एन, तो यकीनन अगर टोटल फोर्सेस ज़ीरो हैं तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी, यानी कि एफ बराबर होगा एफ एन के। लेट्स से दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर वन, यकीनन जितना फोर्स इस तरफ होगी एक्स एक्सिस में उतनी ही फोर्स इस तरफ होगी, तभी तो लैडर इक्विलिब्रियम में रहेगी। दूसरी बात, अगर वाई एक्सिस में लगने वाली तमाम फोर्सेज सम ज़ीरो होना चाहिए, तो वाई में दो फोर्सेज हैं, एफ आर ऊपर की तरफ लग रही है, वेट नीचे की तरफ, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कर रहे होंगे बैलेंस। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कराते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर वन बाई इक्वेशन नंबर टू, ताकि एक फार्मूला बने। आइए बताते हैं, एफ ओवर एफ आर आ गया इधर, उधर आ गया एफ एन अपॉन डब्ल्यू, और ये जो लिखा होता है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाई नॉर्मल रिएक्शन, ये जो है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन और जो रिएक्शन होता है दोनों को डिवाइड कराते हैं, तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसी वजह से जहाँ पे लिखा हुआ है एफ अपॉन एफ आर, वहाँ पे हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि म्यू, और एफ एन अपॉन डब्ल्यू एज इट इज़। अच्छा, म्यू हमें गिवन था 0.4 आ गया, और वेट भी हमें पता है 50 के बराबर है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एटलीस्ट हमारे पास एफ एन का आंसर आ गया है 20 न्यूटन के बराबर। नाउ आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करना है, जिसके मुताबिक टोटल टॉर्क जो है वो किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि आप ऐसा समझ लें कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होना चाहिए। अब चार फोर्सेस हैं तो टॉर्क भी चार ही होने चाहिए, बट अगर यहीं से ही रोटेट हो सकती है ना, यहीं से ही जाहिर सी बात है रोटेट होगी, तो हमें एक्सिस चूज़ करना पड़ता है, तो जो एक्सिस हम चूज़ कर रहे हैं वो यहीं पर ही चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सिस आ गया जिसके अक्रॉस जो है ये रोटेट कर सकता है, तो क्योंकि स्मॉल एफ और ये एफ आर बिल्कुल एक्सिस पर ही एक्ट कर रही हैं, तो वो फोर्सेस जो एक्सिस पर एक्ट करती हैं वो तो टॉर्क प्रोड्यूस करती ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से इन दोनों को तो हम देखेंगे ही नहीं, इनका टॉर्क हो जाएगा ज़ीरो। इस वक्त हमारे पास ना दो फोर्सेस हैं जो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, एक एफ एन है जो इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स बनाएगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और एक है डब्ल्यू जो कि मूव करवाएगी, जो ये जो फोर्स है वो तो यकीनन इसी तरीके से मूव करवा सकती है, और वेट जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करवा सकता है, जो कि होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यानी कि जो एफ एन की टॉर्क है और जो डब्ल्यू की टॉर्क है ये बराबर होने चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले अच्छा टॉर्क की डेफिनेशन भी देख आपको पता होगी ना, फोर्स इंटू मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब फिक्स पॉइंट, यानी कि एक्सिस से फासला। तो भाई अगर देखा जाए कि मोमेंट आर्म कितना है, तो मोमेंट आर्म जो है ना इसी, ये जो पॉइंट है हमारा एक्सिस, इसी का डिस्टेंस देखा जाता है, तो वेट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये वो डिस्टेंस है जो कि वेट के लिए अप्लाई हो रहा है पूरा का पूरा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। और अगर इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाए, क्योंकि टॉर्क की जो डेफिनेशन है उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है, तो एफ एन जो है ना वो यहाँ किसी पॉइंट तक अप्लाई हो रही होगी, यानी कि फोर्स जो यहाँ तक लग रही है पूरी, ये डिस्टेंस होगा। मतलब आप समझ लें इस पॉइंट से लेकर
इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये मोमेंट आर्म होगा एफ एन के लिए, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये होगा वेट के लिए। अच्छा जी, अब मैंने इनकी वैल्यूज़ आपको पहले फाइंड करवा दूँ। याद रखिए ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, कंप्लीट जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये बराबर है एल के, ठीक है। जबकि जो वेट एक्ट कर रहा है, वेट तक का डिस्टेंस तो कन्फर्म है ये बराबर है एल के हाफ के, तो इसको हम एल अपॉन टू भी लिख सकते हैं या वन अपॉन टू एल भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करने वाले हैं, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको ज़रा सही तरीके से समझ लीजिए कि भाई एंगल के लिहाज से वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे। हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस ना, क्योंकि यही मोमेंट आर्म है। अच्छा, ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हाइपोटेन्यूस नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, ये बेस है। तो ये वाले डिस्टेंस के लिए हमें यकीनन कॉस थीटा को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा बराबर किसके आएगा? अगर इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखें तो हम देखेंगे कॉस थीटा बराबर आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है ये जो डिस्टेंस हमें मालूम करना है, समझ लो जो मोमेंट आर्म हमें मालूम करना है ये वो हो गया। मोमेंट आर्म को फॉर एग्जांपल हम डी से ही शो कर देते हैं इस वाले ट्राइंगल के, ओके। और फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस का मतलब होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड खुद बराबर है एल अपॉन टू के। तो इसका मतलब इसका जो मोमेंट आर्म निकालना हम चाहते हैं वो किसके बराबर आ सकता है? डी की वैल्यू बराबर आ सकती है अगर ये एल अपॉन टू से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसके लिए जो मोमेंट आर्म बनेगा वो बनेगा एल ओवर टू कॉस थीटा के। सिर्फ मोमेंट आर्म बता रहा हूँ, बाकी फोर्स तो आपको पता ही है, वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फोर्स अप्लाई हो रही है वेट की। अच्छा, उसके बाद इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है हमेशा जो फोर्स के लिए अप्लाई हो रहा हो। तो अब ये देखना है कि एफ एन कितना टॉर्क प्रोड्यूस कराएगा। तो एफ एन के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एफ एन के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए साइन थीटा, क्योंकि देखो जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का भी होगा। तो ट्राइंगल तो हमारे सामने है ना, और हमें थीटा के सामने वाली साइड चाहिए। थीटा के सामने वाली साइड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो अभी हम इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा को। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर यानी कि थीटा के सामने वाली साइड, ये वाली साइड ना मतलब। लेकिन यही वाली साइड बराबर किसके है? इस वाली साइड के। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे मैं इसका मोमेंट आर्म लिख देता हूँ, यानी कि डी ओवर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? ये वाली साइड जो हम ट्राइंगल देख रहे हैं पूरी कंप्लीट, जिसकी लेंथ कितनी है? जिसकी लेंथ बराबर है एल के। तो अगर मैं डी की वैल्यू निकालूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा? एल साइन थीटा के। अब आप ये बात समझ लीजिए कि बड़े वाले ट्राइंगल का जो मोमेंट आर्म है वो एल साइन थीटा के बराबर है, और छोटे वाले ट्राइंगल जो वेट के लिए है उसका जो मोमेंट आर्म है वो एल अपॉन टू कॉस थीटा के बराबर है। तो अब पूरी वैल्यू पुट करेंगे टॉर्क की, तो देखें एफ एन, एफ एन के लिए बड़ा वाला ट्राइंगल देख रहे थे जिसके लिए आंसर आ रहा था एल साइन थीटा, और जब वेट के लिए देख रहे थे तो फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, फोर्स है डब्ल्यू और मोमेंट आर्म हम लोगों ने निकाला था एल अपॉन टू कॉस थीटा, बाकी इधर फोर्स एफ एन है और मोमेंट आर्म ने निकाला था एल साइन थीटा के बराबर। रीअरेंज करो इसको, रीअरेंज करके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक तरफ और डब्ल्यू अपॉन टू एफ एन अलग, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा खुद बराबर होता है टेन थीटा के, तो डब्ल्यू अपॉन टू एफ एन हो जाएगा। डब्ल्यू भी पता है, एफ एन भी पता है, एफ एन 20 है और डब्ल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 50 है। वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद 5 अपॉन 4 आएगा, और क्योंकि थीटा चाहिए तो 10 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा इनवर्स, जिसका आंसर आ जाएगा 51.3 डिग्रीज। यानी कि ये वो मिनिमम एंगल है कि अगर इस एंगल के साथ हम लगाते हैं किसी भी लैडर को तो वो स्लिप नहीं होगी, और अगर एंगल इससे कम हो गया तो यकीनन स्लिप हो सकती है। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन, चैप्टर नंबर फाइव का ही न्यूमेरिकल है। एक पार्टिकल है उसका मास है 500 ग्राम, रोटेट्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1.5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। सो फाइंड द एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, डेटा बना लेते हैं। पार्टिकल का मास 500 ग्राम डिवाइड बाई 1000, 0.5 kg। अच्छा, रेडियस है 25 सेंटीमीटर, सो डिवाइड बाई 100, 0.25 मीटर। एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली हमें गिवन है रेवोल्यूशन पर सेकंड से पता चला, सो 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो वन रेडियन में वन रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, सो 1.5 रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 पाई करवाएंगे,
तो हो जाएगा 3 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करी, इसको आखिर तक लेके चलेंगे, बाद में पुट कर देंगे, या अभी भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 पाई रेडियन पर सेकेंड एंड वी हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का, एल इज इक्वल टू एम वी आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर। बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हमें वेलोसिटी नहीं गिवन है, बल्कि हमें एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। तो एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी फाइंड तो कर सकते हो ना, वी और आर को देखो, वी की जगह पे वैल्यू पुट करो, जो वी बराबर होता है, वी बराबर होता है आर ओमेगा के। सो वी की जगह पे हम पुट करेंगे आर ओमेगा, आर एज इट इज़ है, तो आर इंटू आर ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में ये भी है, अगर डायरेक्टली ये ड्राइव किया हुआ है तो इसको डायरेक्टली भी आप लोग लिख सकते हो, मैंने समझाने के लिए एम वी आर से स्टार्ट किया था। सो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, एम की वैल्यू आर का स्क्वायर और ओमेगा, ओमेगा था 3 पाई, नाउ ये आ गई 3 की वैल्यू और ये आ गई पाई की वैल्यू, यानी कि 3.142। और सॉल्व करने के बाद एंगल मोमेंटम आ जाएगा 0.294 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो जो एंगल मोमेंटम होगा उस पार्टिकल का, वो 0.294 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, एक पार्टिकल है उसका मास है 0.5 केजी, जो कि मूव कर रहा है अलोंग एक्स वाई प्लेन। एट दैट इंस्टेंट, उस वक्त जो कोऑर्डिनेट्स थे उसके, वो थे 3.4 मीटर्स पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स, और वेलोसिटी थी 4i प्लस 5j मीटर पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है, मास ऑफ पार्टिकल आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में 3.4, उसको वेक्टर फॉर्म में कर लो, तो 3i प्लस 4j, जो ये पहली टर्म होती है, एक्स टर्म होती है, और एक्स के साथ आता है आई, और फिर वेक्टर फॉर्म में, और फिर ये वाई कॉम्पोनेंट वाई की जगह पर आ जाता है 4j। वेलोसिटी तो वही है 4i प्लस 5j, एंगुलर मोमेंटम एल फाइंड करना है। तो फॉर्मूला पता है, एंगुलर मोमेंटम का एल इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी, इसका मतलब हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा, आर क्रॉस वी मालूम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, एम की वैल्यू भी, तो आंसर आ जाएगा। सो सबसे पहले आर क्रॉस वी मालूम करते हैं, आर क्रॉस वी मालूम करने के लिए जो आई जे के तो लिखा ही जाता है, जो वेक्टर पहले लिखा है उसके कोऑर्डिनेट्स, तो आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 4, 3 4, ओके तो है नहीं, तो 0 आ गया। इसी तरीके से वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स 4i प्लस 5j और k तो है नहीं, तो 0 आ गया। i से एक्सपेंड करते हैं, तो i की रॉ और i का कॉलम छोड़ देते हैं, i की रॉ और i का कॉलम छोड़ देंगे, तो ये बचेगा 4050। j को सेलेक्ट करेंगे, तो j की रॉ j का कॉलम छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 3040। और ऑल्टरनेट साइन के साथ सेलेक्ट करते हैं, प्लस का i माइनस का j और प्लस का k, k की रॉ और k का कॉलम सेलेक्ट करो, तो आ जाएगा 3445। तो भाई ये तो वैल्यू जीरो हो ही जाएगी, और ये वाली वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, हमें सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी के की। सो ये हो जाएगा 3 × 5 15, और माइनस फॉर्मूले का 4 × 4 16, ये आ जाएगा माइनस का के। और फिर इस वैल्यू को जब रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो एम इंटू आर क्रॉस वी था, मास था 0.5 kg, और ये आ गया माइनस का के। सो मल्टीप्लाई करा देंगे, 0.5 k आ जाएगा माइनस का, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। रिजल्ट के अंदर मेंशन कर देंगे उसकी डायरेक्शन भी, कभी नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो उसकी डायरेक्शन है वो है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। वजह क्या है, वजह ये है कि क्योंकि यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इस वजह से वो नेगेटिव जेड एक्सिस में है, अदरवाइज प्लस में आता तो हम लिख देते पॉजिटिव जेड एक्सिस। और बाकी मैग्नीट्यूड तो वही है 0.5 जूल सेकेंड।